हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी। सो यस गाइस, आप लोगों ने यहाँ पे मेरे को बोला था कि अगला मैच फुल सेट के साथ खेलना, एंड आज हम जैसी फुल सेट के साथ खेलने जाते तभी में टेस्ला गिरती है, एंड इतने में ही आगे होते हैं दो दो मम्मी सेट। अब यहाँ पे ये दोनों बंदे भाई इतना सही आ जाते कि भाई अब होगी असली फाइट, एंड इनमें से एक बंदा डीबीएस चलाता है, एंड क्लोज फाइट में सोचो कौन जीतेगा। मेरे पे थी M4, इन पे थी DBS, सोचो क्या होगा वहाँ पे। खैर डीवी को बोलता साइड हट जा, मेरे को एक थंबनेल ले लेने दे, तो साइड हट जाता है, लेकिन वो पीछे वाला बंदा जो एक और मम्मी सेट था ये भाग जाता है। लेकिन अभी मैं इसको बताता हूँ, इन सबका राजा है फैरो, तो फैरो के लिए एक लाइक तो बनता है, बट हम खेलेंगे आज ऐसे एक मेन अपना है कि भाई हम फुल सेट के साथ खेलते हैं, फुल सेट के साथ खेलते हैं। बाकी तो गाइस जिन्होंने लाइक नहीं किया, जो जिनका फेवरेट है फुल सेट, तो जरूर से नीचे लाइक करना, एंड नीचे कमेंट करके बताना कि अगला कौन सा सेट पहन के खेले जो कि आपको मजा आता है, जो आपका फेवरेट है वो नीचे कमेंट करके बताना। तब देखते हैं कौन कौन सी फाइट्स और कितनी तगड़ी फाइट्स होती हैं। एंड यस, अभी यहाँ पे प्लेन पे ये जो बंदे थे जिसका ये नाम साइड में दिख रहा है, ये हेलीकॉप्टर पे, ये पबजी का कॉन्कर प्लेयर है, तो अब थोड़ी तो मतलब इसे फाइट लेना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तरह से कह सकते हैं ये वही थे जिनका नाम अभी आ रहा है साइड में, ये भाई मेरा भी नाम नहीं आया टॉप पे इस बार तो। अरे भाई खैर कोई ना, अब निकलते हैं, सबसे पहले क्वेरी में आते हैं, अपना प्लेन यहीं पे क्वेरी में उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पे अरे भाई ये क्या था, ये गाड़ी तो दिखी ही नहीं भाई, अब आएगा ना असली मजा। तो भाई आज खा रहे हो पी रहे हो जो लेके बैठ जाओ, आज फुल भसड़ है भाई इस गेम प्ले। आज हम खेल रहे हैं फुल सेट के साथ, जिसके ओपोनेंट में दो दो मम्मी सेट है, एंड साथ में ये कौन है से वाला तो मुझे आइडिया भी नहीं कौन है, बट मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ये भी उतर रहा, और ये वो देखो फेरो वाली पैराशूट, चलो आते हैं एंड देखते हैं। बहुत ज्यादा बंदे है, बहुत ज्यादा गेम का भी पैराशूट है, थॉमसन पड़ी है पीछे। पीछे लगा था चलो वेस्ट मिला, उतरते के साथ इतने सारे बंदे हमारे पास उतरे थे कि भाई एक थॉमसन में मारा ही कितना जाए, तो इससे गन लूटते हैं, एंड डीवाई को बोलता भाई तू भी लूट ले यार, अब एक गन से तो भाई उसमें दो ही गोलियां बची हैं, बाकी जितने बंदे मार सकते तो मार दिए, सिर्फ थॉमसन से 60 गोलियों के अंदर 5 बंदे फिनिश किए, और ये तो खैर बॉट है। अब मैं डीवाई को बोलता भाई देख इसकी भी आमो खत्म होने वाली, तो काम कर जाओ उससे लूट ले, तब तक मैं आगे का संभालता हूं, एंड शायद ये कौन से वाला बंदा है जो ग्लेशियर चमका रहा है। अब मैं डीवाई को थोड़ा कवर देता हूं, लेकिन अब जो है भाई यहां पे ऑलमोस्ट दोनों ही गन ठीक ठाक तरह से खत्म हो चुकी है, अब दूसरी गन हमें कुछ चाहिए या फिर एमो चाहिए। अब यार ये फालतू जंप क्यों हो गया मेरे से, एंड ये सामने एक बंदा भी बैठा है मेरे को दिखाई से। अब सबसे पहले वापस हम जाते हैं ऊपर, क्योंकि गलती से जंप हुआ था मेरे से, एंड पहले तो डी भाई ला भाई एमो दे दे भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे, दो गोलियां बची है। ओके तो फाइनली UMP लेके आ गया डी भाई, तो अब भाई अब भसड़ मचनी है फुल। अभी यहाँ पे मेरा एक टीममेट डिस्कनेक्ट है, क्योंकि भाई वो अभी पता नहीं कुछ कर रहा था, लेकिन बाद में आ जाएगा, लेकिन चलते हैं अभी। यहाँ पे जस्ट मेरे सामने वो M4 वाला बंदा और शायद से फुल सेट वाला भी यहीं पे है, एंड ऊपर से कोई तो SKS मार रहा है कंटिन्यू मेरे को। अब भाई एक तो ये गुस्सा आता भाई, यहाँ इवेंट पे आना तो इवेंट पे आना भाई, वहाँ कहाँ बैठ जाते ऊपर चढ़ चढ़ के, एंड वहीं से मार रहे होते, थर्ड पार्टी करने इनका प्रॉपर इनको मौका मिल जाता। खैर अरे यार ग्रेनेड क्या बोलूं यार, खैर सामने वही M4 वाला ही बंदा है, एंड अभी चलना जरूरी है। इतने में ही अब मुझे क्या पता लगता है, जैसे ये बॉट को मैंने देखा मैंने मार दिया, मैं सोच चलो इससे AKM उठाता हूँ, उसको कोई और फिनिश कर गया, मैंने बोला अरे भाई। खैर कोई ना, यहाँ पे मैं लूटने जाता था लेकिन थोड़ा रिक्स था, क्योंकि वो AKM वाले ने इसको फिनिश किया, तो भाई मेरा भी सीन बैठ सकता है, तो भाई नहीं गया मैं उधर, अच्छा हुआ उसने जल्दी फिनिश कर दिया। लेकिन अब जो था दिमाग घूम गया था, मैं घुसने वाला डायरेक्ट सामने बंदा, यहाँ से जा सकते बीच में, लेकिन अचानक से बंदे को कितना ही मार सकते हैं जो एकदम अचानक से है।
खैर अब जो था सीन अलग होने वाला था, हीलिंग वीलिंग किया। अब यहाँ पे एक और था लिजार्ड वाला बंदा, लेकिन अभी जस्ट साइड में हमारे वही बंदे हैं। अब यहाँ पे पहले तो डीवाई को देखते हैं जो कि थोड़ी देर में ही नॉक होने वाला है। अरे वीडियो पे फेंक दिया फिर। ऊपर आ गया, ऊपर आ गया बंदा। एक बाहर से आ रहा है। अब लेट आउट हो जाऊंगा, कोई नहीं गया। मौली जाता है, मौली जाता है। भाई सबसे पहले भागता हूँ मैं हीलिंग करने के लिए, इधर भी आग लगी पड़ी थी, खैर खत्म होगी वो आग। अब यहाँ पे होता क्या ना कि डीवाई को बचा सकता था, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग टीम्स थी। एंड अब देखो किस तरीके से यहाँ पे फाइट होने वाली है मेरे साथ, क्योंकि जब सामने से बंदा आएगा वो डीवीएस लेके आएगा एंड क्लोज में डीवीएस यही है बंदा, वो जो M4 चमका रहा अभी, भाई यही बंदा आ रहा है सामने। ये वही कॉर्नर वाला बंदा था कुछ तो, पबजी में कॉर्नर वाला जहां पे प्लेन पे मेरे सेकंड नंबर पे जिसका नाम आया था, ये वही बंदा था एंड यही चमका रहे थे। भाई मजा आ गया इनको फाइट लेके इनके साथ, एंड सीरियसली बहुत तगड़ी फाइट ले रहे थे, मजा आ गया भाई इनके साथ फाइट लेके सीरियसली। एंड भाई इस चीज के लिए एक बार लाइक दे दो, एंड एक 1v2 क्या ही प्यारा मिला। लेकिन भाई यहाँ पे एक गलती हो जाती ना तो दिक्कत हो जाती, लेकिन अब जैसे यहां से हम बाहर निकलते हैं, अब यहाँ पे दो बंदे अचानक से मेरे पे रश कर जाते हैं एंड मैं बोलता हूँ भाई मेरी HP देखो एक बार, अचानक से आ गए। मैंने बोला अबे कहाँ बैठे थे भाई, डासिया उठाई और सीधे मेरे मुंह पे रश कर दिया। बाकी तो यहाँ पे हमने सबको उतार दिया था एंड इसके बाद फिर इसके दो बंदे जो होते हैं वो पीछे पीछे आ जाते हैं। एंड अभी मैं सोच रहा था क्यों ना निकलते हैं यहाँ से, लूट तो काफी कर ली है, अब चलते हैं यहाँ से, गाड़ी वाड़ी सारी लेके आई गए थे। एंड अभी इनका एक बंदा भी फिनिश हुआ नहीं था। अब यहाँ पे मेरे टीममेट्स अभी भी वेब शूटर बनाने में लगे पड़े हैं एंड मेरे को ये रेड वाली मॉली चाहिए भाई, स्पेशली भाई ये रेड मॉली का जुगाड़ कर लिया एंड इसको भी फिनिश कर दिया। एंड इतने में जब हम निकलते ही हैं बस इसमें से चलो तबाह मिल गया, तबाह और वो ना बम पटक कर लूं। हां बिल्कुल भाई, तुम बताओ तुम्हें अगर किसी घर में डाल दिया ना पूरी, अरे हाँ भाई मार दिया। Awesome. भाई सारे के सारे ही कंफ्यूज थे कि कौन कहाँ से मार रहा है, लेकिन मैं तो फटाफट से वेब शूटर यूज करके अंदर आ गया था। बट अब यहाँ पे एक तरह से मैंने बहुत दबा के लूट करी, मतलब बहुत ज्यादा मैंने रेड मॉली पांच पांच रेड मॉली उठा रखी, और रेड मॉली ऐसी होती ना जहां फेंकोगे वहां वो बंदा फिनिश होने ही वाला है। आप देखो क्या होता है, यहाँ पे एक बंदा हमें जाता है टावर पे, तो मैं वेट करता हूँ भाई यहाँ से मारते इससे पहले, लेकिन वो भाग जाता, हमें भी देख के भाग जाता अंदर। शायद उन पे स्नाइपर होगी तो भाई चिपका देंगे। तो अपने टीममेट को बोलता चल एक काम करो बैठो गाड़ी में, क्या पता ये भी वो बंदे हो सकते हैं जो लॉबी में दिखे थे अपने को। तो सबसे पहले हम जाते हैं डायरेक्टली रश करने, और अब जो होगा मेरे साथ आप लोगों के साथ भी अगर ये चीज होती है तो आप लोग भी से भाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो मेरे साथ हुई अभी। नॉक किया उसने, घर में तो नहीं किया ना, शायद घर में ही किया है। इनको फैलते, अरे पीछे वाले घर में बंदा, पीछे में बंदा है। मुझे नॉक कर दिया, हाँ मैं सेव हूँ, लेकिन बंदा इसमें से मारेगा। हाँ जल गया, जल गया, भागा पीछे, भाग गया। अरे मुझे वेट करने आ गया, नाइस। ये तो चमका रहा था इतनी देर से, और तो बोल रहा था ये भाग रहे पीछे से पानी में। भाई अब मैंने दो बंदे और नॉक कर दिए, मे बी अब इसके अंदर ही दो बंदे बचे होंगे। जैसे ही आता हूँ मैं फिर से मेरे साथ वही ग्लिच होता है एंड मैं समझ जाता हूँ मेरा VPN गया यहाँ पे।
अब वीपीएन नहीं, इस बार मेरा वाईफाई चला है क्योंकि लाइट ही चलेगी मेरे घर पर। मैंने बोला रे भाई अब मैं क्या करूं, अब थोड़ी देर के लिए आ भी जाता मेरा, लेकिन अब पता नहीं क्या था कि थोड़ी देर चला मेरा नेट लेकिन अब वाईफाई चला गया। यहाँ पे देखना वाईफाई का नॉट कनेक्टेड लिख देगा एंड भाई बीजीएमआई खोलना बताओ। अब वापस से मैं आता हूँ लेकिन अब मैं बोला भाई क्या हो रहा है। एंड गेस करो भाई अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ होता है, मतलब सोचो एक बार कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ होता है बीच मैच में, अच्छा खासा गेम प्ले निकल गया है, ये देखो वीपीएन भी गया वाईफाई भी गया, मैंने बोला अरे बहुत सही। खैर जैसे जैसे जुगाड़ उगाड़ करके दूसरे फोन का हॉटस्पॉट वॉटस्पॉट ले वे के मैं गेम में एंटर करने की कोशिश किया एंड यहाँ पे मैं होता भी हूँ। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 किल हो चुके होते लेकिन अब यहाँ पे आता रिजॉइन का, मैंने कर दिया ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये देखते हैं अब लो अब गेम ही फिनिश होगी, मैंने बोला अरे भाई क्यों यार। खैर कोई ना गाइस जीरो का अभी भी गेम में है लेकिन मेरा इतना ग्लिच गेम है कि भाई मेरे को बाहर फेंक दे निकाल के। खैर कोई ना गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो वो याली फाइट जो हमने कॉन्कर वाले बंदे के साथ ली थी तो लाइक करना एंड यस आज ज़्यादा उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि यार बीच में ही लाइट चली गई एंड अगला गेम प्ले मैं बना भी नहीं पाया क्योंकि लाइट काफ़ी देर बाद आई। क्या बोले खैर कोई ना गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड लव यू गाइस बाय बाय।